अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बैंगन का खट्टा। एक बहुत ही सिंपल और आसान डिश है, इसको आप बहुत कम इंग्रेडिएंट के साथ झटपट घर पर बना सकते हैं। चलिए हम इसको बनाते हैं। इसके लिए हम पहले पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पर हमने दो मीडियम साइज़ के टोमेटो लिए हैं, उनको हमने मोटा मोटा काट लिया है, और एक बड़ी प्याज जिसको हमने मोटा मोटा काट लिया है। इन दोनों को हम पीस कर बारीक इस तरह से पेस्ट बना लेंगे। और दूसरी तरफ हम बैंगन को अच्छे से धोकर उसके इस तरह से चार चार पीसेस बना लेंगे। हम उसको पूरी तरह से नहीं काटेंगे, नीचे थोड़ा सा स्पेस छोड़कर चार पीसेस कर लेंगे और इनको डीप फ्राई कर लेंगे अच्छे से। अगर आप नए हैं और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखिए, हमने इनको डीप फ्राई कर लिया है और इनका कलर चेंज हो गया है। इस पॉइंट पर हम इनको तेल से बाहर निकाल लेंगे और एक तरफ रख देंगे। दूसरी तरफ हम बनाने के लिए चलते हैं। एक कुकर में हमने 2 से 3 टीस्पून तेल लिया है। तेल गर्म होने पर हम उसमें डाल देंगे 1 टीस्पून सफ़ेद तिल यानी वाइट सेसमी। उसको हम 1 मिनट तक या फिर 1 मिनट से कम टाइम तक फ्राई करके उसमें डालेंगे 1/2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1/2 चम्मच ज़ीरा। दोनों को डालकर हम बस 30 सेकेंड्स या 20 सेकेंड्स तक ही फ्राई करेंगे। फिर हम उसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी। इन सबको डालकर हम मिक्स कर लेंगे तेल के साथ। और अब हम उसमें डाल देंगे प्याज और टमाटर की जो हमने प्योरी यानी पेस्ट बना कर रख लिया था पीस कर, उसको हमने इसमें डाल दिया है। अब हमने इसमें डाला 1/2 चम्मच नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। बस हम इस पर सिर्फ ढक्कन रख के छोड़ देंगे थोड़ी देर पकने के लिए। 4 से 5 मिनट या फिर 6 मिनट भी लग सकते हैं मीडियम फ्लेम पे, जब तक कि तेल ऊपर सरफेस पर ना जाए। अब हमने इसमें डाल दिया तले हुए बैंगन। बैंगन को डालकर हम 3 मिनट तक रोस्ट कर लेंगे मसाले के अंदर ही, ताकि मसाला जो है वो बैंगन में अच्छे से आ जाए। फिर हमने जो जार में पेस्ट बनाया था उसी जार में हमने पानी डालकर 1/2 कप उस पानी को मसाले के अंदर डाल दिया, और अभी हमने 2 टीस्पून तक हरा धनिया बारीक काट कर इसमें डाल दिया है। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करके इसका कैप बन करके 2 विजल्स आने तक इसको पका लेंगे। 2 सीटी आ गई और हमने थोड़ी देर के बाद कुकर का ढक्कन खोल दिया है। देखिए, इस तरह से हमारा एकदम बढ़िया सा और झटपट बनकर तैयार है बैंगन का खट्टा। इसको आप किसी भी सिर्फ स्टीम राइस या फिर ज़ीरा राइस, घी राइस, रोटी, कोई भी चावल प्लेन पुलाव के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत कम टाइम में जल्दी से फटाफट बन जाएगा, और बहुत कम सामान भी इसमें इस्तेमाल होता है। ख़ुद भी एंजॉय करें और हमारे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।